सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर ₹100 के कैशबैक के साथ आपको और भी अच्छे ऑफर मिल जाएंगे। देखा होगा कि कई सारी अच्छी अच्छी कंपनीज अपना IPO लाने के लिए SEBI को पेपर तो सबमिट कर रही हैं और कई सारी कंपनीज को SEBI द्वारा अप्रूवल भी मिलता हुआ नजर आया है, लेकिन कई दिनों से एक भी IPO मार्केट में ओपन नहीं हुआ है अप्लाई करने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उन रीजंस के बारे में कि क्यों कंपनी अपना IPO लाने से बच रही है, ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं। तो कुछ रीजंस मैं यहां पर कवर करूंगा और कुछ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो देखिए, पहला रीजंस जो है वो यहां पर बताया जा रहा है कि जो LIC का IPO आ रहा है, तो देखिए बहुत सारी कंपनीज को यहां पर अप्रूवल तो मिल गया है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो कुछ कंपनीज है वो वेट कर रही हैं कि अगर LIC के IPO के आसपास हमारा IPO आ गया तो निश्चित रूप से उनके IPO में सब्सक्रिप्शन कम हो जाएगा, क्योंकि LIC IPO का वैल्यूएशन इतना बड़ा है और हमारे जो रिटेल निवेशक हैं उनके पास पैसा भी लिमिटेड होता है, तो निश्चित रूप से उनका ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन कम हो जाएगा और हो सकता है कि लिस्टिंग पर भी इफेक्ट पड़े। तो ये रीजंस है जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी अपना IPO लाने से बच रही है। उनका मानना है कि LIC का IPO एक बार निपट जाए, उसके बाद हम अपना IPO लेकर आएंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि करीब 44 ऐसी कंपनीज अभी मार्केट में मौजूद हैं जिनको SEBI द्वारा अप्रूवल तो मिल गया है, लेकिन उनके IPOs अभी भी मार्केट में ओपन नहीं हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं IPOs की लंबी कतार है जो कि आपको आने वाले महीनों में देखने को मिलने वाली, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। LIC का IPO थोड़ा सा व्यवधान बना हुआ है, निश्चित रूप से ये IPO के निकलने के बाद आपको बहुत सारे IPOs देखने को मिलने वाले हैं और आपकी निश्चित रूप से अच्छी कमाई भी होने वाली है। दूसरा जो बड़ा रीज़न है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेगेटिव ग्लोबल न्यूज़। आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर अभी लड़ाई की खबरें सामने आ रही हैं जो जापान से, और जो तमाम तरीके की न्यूज़ सामने आ रही है जिससे मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में बना हुआ है। और आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, कितना ज़्यादा वोलाटाइल मार्केट है। कभी 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो एकदम से कभी 200 पॉइंट नीचे चला जाता है, कोई भी भरोसा नहीं है। बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल मार्केट हो रहा है जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस भी हो रहा है। और कंपनियों का मानना है कि भाई अगर ऐसे माहौल में हम अपना IPO लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे से अच्छा IPO भी नेगेटिव पर लिस्ट हो सकता है। जैसे कि आपने देखा कि अडानी विलमार, जहां उसमें 100 रुपए 150 रुपए के आसपास प्रॉफिट मिलना था लिस्टिंग पर, वहां वो डिस्काउंट प्राइस पर लिस्ट हुआ। हालांकि बाद डिस्काउंट प्राइस पर लिस्ट होने के बाद उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन देखिए अगर लिस्ट अच्छे प्राइस पर होता, यानी कि 50-60% के प्रीमियम पर होता और वहां से अपर सर्किट लगते, तो सोचिए अभी शेयर का प्राइस 450 रुपए के ऊपर होता। तो ये सारी चीजें इफेक्टेड करती हैं, मैटर करती हैं, जिसके कारण मुझे लगता है कि कंपनीज ये सोच रही हैं कि थोड़ा सा माहौल सुधरे, थोड़ा सा जो माहौल में जो नेगेटिविटी बनी हुई है वो थोड़ा सा सुधरती हुई नजर आएगी, तब हम अपना IPO लेकर आएंगे। IPOs की कोई कमी नहीं है, डेली आप देखेंगे तो हर रोज़ कोई ना कोई कंपनी अपना DRHP यानी SEBI को पेपर सबमिट करती है और बहुत सारे IPOs को SEBI द्वारा, जैसे कि मैंने बताया करीब 44 ऐसे IPO हैं जिनको SEBI द्वारा अप्रूवल मिला है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे IPOs आएंगे, थोड़ा सा माहौल सुधारने दीजिए। LIC का IPO है जो क्लैश हो रहा है वो थोड़ा सा जाने दीजिए, उसके बाद आपको अच्छे खासे IPOs आने को देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये जो दो रीजंस हैं, जो मेन रीज़न है वो मैंने आपको बताया। अगर आप भी सोचते हैं कि कोई तीसरा रीज़न भी हो सकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।